प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल कैलकुलेशन बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पिछला वीडियो में हम लोगों ने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पढ़ा था, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सीखा था। आज हम लोग कैलकुलेशन मैंने केमिकल कैलकुलेशन के द्वारा न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, और न्यूमेरिकल बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसलिए न्यूमेरिकल का टॉपिक है, बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% समझ में आएगा। तो बच्चों लिखा जाए प्रॉब्लम केमिकल इक्वेशन कहता है कि केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो कहता है केमिकल इक्वेशन जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस दोनों है, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं केमिकल इक्वेशन आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ बट फॉर कैलकुलेशन परपोज only quantitative meaning considered। कहता है quantitative means होता है बच्चों मात्रात्मक, and क्वालिटेटिव मीन्स होता है गुणात्मक। तो कहता है कि ये दोनों प्रोसेस होता है केमिकल इक्वेशन, बट कैलकुलेशन परपोज ओनली क्वांटिटेटिव मीन्स होता है कंसीडर्ड। अब किसी भी न्यूमेरिकल यानी प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग को तीन प्रोसेस से गुजरना होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कहता है कि तीन भाग में बांटा गया है। पहला है बच्चों कैलकुलेशन रिलेटेड टू वेट एंड वेट यानी दोनों वेट एंड वेट में होना चाहिए। दूसरा कैलकुलेशन रिलेटेड टू वेट एंड वॉल्यूम। तीसरा है कैलकुलेशन रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम।
ये जो है बच्चों कैलकुलेशन रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे इडियोमेट्री में, है ना। इसका अध्ययन, ये दोनों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन रिलेटेड टू बेट एंड बेट, है ना। ये न्यूमेरिकल से आपको समझ में आएगा कि बेट एंड बेट है क्या, है ना। तो बच्चों लिखा जाए पहला पॉइंट, है ना। तो बच्चों पहला को लिखा जाए कैलकुलेशन रिलेटेड टू बेट एंड बेट, है ना। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग लिखते हैं बच्चों, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा जाए, आप भी लिखिए, व्हाट वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कैलकुलेशन व्हाट वेट ऑफ वाटर, है ना, वाटर का वेट पूछ रहा है, फॉर्म बाय द कंबसन ऑफ 10 ग्राम हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन। कहता है जो प्राप्त हुआ है कंबसन से, 10 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबस्टेड हुआ है, है ना। तो हम लोग पहले केमिकल रिएक्शन को लिख लेते हैं, यानी वाटर का कंबसन हुआ है हाइड्रोजन से, क्या बना है H2O, है ना। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ देखा जाए बच्चों ऑक्सीजन 2 है ना, 2 कर दिए, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 कर दिए। अब है बच्चों इसका वेट हम लोग निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 और H2 है, यानी 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 ग्राम। यहाँ वाटर का वेट निकाल लेते हैं H2O का, H2O का मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16 = 18, और 2 मोलिक्यूल्स है यानी 2 × 18 ग्राम, है ना। अब हम लोग को देखना है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन, है ना, 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ग्राम वाटर बन रहा है, 36 ग्राम, और कितना पूछ रहा है, व्हाट वेट ऑफ वाटर फॉर्म 10 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम से इतना फॉर्म हो रहा है इसलिए 10 ग्राम से, है ना। तो लिखेंगे 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड 36 ग्राम वाटर। अब बच्चों यहाँ देखा जाए, यहाँ है 4 ग्राम वेट प्रोड्यूस 36 ग्राम वाटर, यानी दोनों वेट एंड वेट है, है ना। अब देखा जाए इसलिए कितना ग्राम में, 10 ग्राम में, 10 ग्राम में कितना हो जाएगा, 36 × 4 × 10, 9 × 4 = 36 यानी 90 ग्राम वाटर। यही आपका बच्चों आंसर हुआ। तो समझ में आया बच्चों, सिर्फ न्यूमेरिकल है और जितना न्यूमेरिकल बनाएंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। रेगुलर क्लास करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो अब है सांडिलिया को कमेंट करके बताइए। रेगुलर क्लास, अनवरत प्रयास, हमेशा टीचर पर विश्वास करते रहिए। और न्यूमेरिकल A to Z बनाइए, ABCDEFG इस तरह से बनाइए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।